कला भवन में कोरोना जांच शिविर की गई शुरुआत, वैक्सीनेशन की भी बढ़ी गिरफ्तार। आपको बता दें कि धनबाद सदर अस्पताल बुधवार से 60 आईसीयू एवं 40 नैन आईसीयू बेड के साथ शुरू हो जाएगा। इसे लेकर जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा कोरोना जांच और वैक्सीनेशन दोनों ही तेज गति से बढ़ेगी। इसे लेकर धनबाद के कला भवन में जाँच शिविर लगाया गया है, जहां जिले के किसी भी क्षेत्र से लोग आकर अपना कोरोना टेस्ट करवा सकेंगे। यहां सारी सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस दौरान धनबाद के सिविल सर्जन गोपाल दास ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एक ओर वैक्सीनेशन सेंटर के द्वारा वैक्सीन की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है, वहीं कला भवन में जांच शिविर लगाकर जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे कोरोना से लड़ने में काफी मदद मिलेगी। एक्चुअली मेरा जो सदर अस्पताल अभी है, इसको 60 बेड आईसीयू और 40 बेड नॉन आईसीयू कोविड पेशेंट को एंट्रेंस के लिए हम किए हैं। तो उसी सिलसिले में मेरा एक वैक्सीनेशन सेंटर भी यहाँ पर चल रहा है। तो अगर हम लोग टेस्ट भी यहाँ पर करते रहेंगे तो सारी संक्रमित मरीज भी यहाँ पर चारों तरफ से आएंगे। तो उसी को देखते हुए हम लोग उसको शिफ्ट किए हैं, कला भवन में शिफ्ट किए हैं। हमारे जो MOIC उन्होंने उनके देख रेख में ही वहाँ पर हम लोग शुरू किए हैं, तो ताकि सेपरेट हम लोग वहाँ पर जाँच किट से हम लोग करवाएँगे, मशीन से कराएंगे, RT-PCR का भी हम लोग कराएंगे। तो वो सेपरेट हो गया, इसलिए आप हमने को ये हमारे संदेश देना है कि भाई आप लोग वहीं जा करके सदर के बदले जा करके प्लाबर में अपने जांच करवा दें।